जहाँ जिस लोकेशन से ज़्यादा डेंगू आ रहा है उसको जो है रेड अलर्ट एरिया में जो है सरकार द्वारा विभाग द्वारा एडवर्टीजमेंट जो है वो दी जा रही है, लोगों को जानकारी दी जा रही है। राजद किस तरह तो घुमा के करेंगे क्या? नहीं नहीं, आप बताइए ना, उन्होंने क्या बोला है? सही तो बोला है। बिहार में डेंगू के बढ़ते प्रकोप से निपटने के लिए पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग की ने तैयारी कर ली है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि तमाम जितने भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनको खास दिशा निर्देश दिए गए हैं, साथ ही साथ साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जिस तरीके से बता दें आपको कि लगातार बिहार में डेंगू के मरीज जो हैं उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, खास करके अगर बात करें राजधानी पटना के तो राजधानी पटना में सबसे ज़्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव खुद ही तमाम जो अस्पताल हैं वहां जाकर के वहां जायजा ले रहे हैं, तमाम चीजों का, तमाम तैयारियों का जो निरीक्षण है तेजस्वी यादव खुद ही कर रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने अब यह कह दिया है कि जो तैयारी है वो पूरी तरह से कर ली गई है, किस तरीके से डेंगू को बिहार से भगाया जाए, किस तरीके से डेंगू पर पूरी तरह से कब्जा किया जाए, पूरी तरह से काबू पाया जाए, इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। जो महत्वपूर्ण बैठक है वो अधिकारियों के साथ किए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो फॉगिंग की जो व्यवस्था है वो की जा रही है, साफ सफाई का भी ख्याल रखा जा रहा है। बता दें कि तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, ऐसे में तेजस्वी यादव डेंगू का जो प्रकोप लगातार बिहार में बढ़ रहा है इसको काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं। क्या कुछ पूरे मामले पर तेजस्वी कह रहे हैं सबसे पहले आप सुनिए। और इसलिए हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कटिहार मेडिकल कॉलेज, बिहार का एक आप कह सकते धरोहर रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और यहाँ आज हमको मौका मिला है आने का। सर एक आखिरी सवाल सर, बिहार के लिए त्रासदी का दौर भी बताया जा रहा, क्या तैयारी है बिहार सरकार के पास? नहीं, हम लोग पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, हर जगह जो है नगर आयुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जो है प्रधान सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, साफ सफाई जो है इलाकों की वो कही है कि करवाया जाए और साथ ही साथ जहाँ जिस लोकेशन से ज़्यादा डेंगू आ रहा है उसको जो है रेड अलर्ट एरिया में जो है तब्दील किया जाए और बाकी अस्पतालों में व्यवस्था हो, डेडिकेटेड आपका वार्ड हो डेंगू का, उससे रिलेटेड हम लोग जो है काम कर रहे हैं। साथ ही साथ अवेयरनेस कैंप भी हम लोग जो है आप देखते होंगे अखबारों में सरकार द्वारा विभाग द्वारा एडवर्टीजमेंट जो है वो दी जा रही है, लोगों को जानकारी दी जा रही है। सर जांच किट नहीं पहुंचा अभी तक कई जगह डेंगू के लिए, जो प्रॉपर जांच होना चाहिए उसका किट उपलब्ध नहीं हो पाया कई जगह। इसके लिए पूरी तरीके से कॉल सेंटर की व्यवस्था कराई गई है और साथ ही साथ जहां किट नहीं पहुंचे हैं कल परसों ही हम लोगों की बैठक हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है ज़्यादा स्मूथली हो, लोगों तक पहुँच सके ये ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अभी तो जहाँ कटिहार तक की जहाँ तक बात है, अभी जिलाधिकारी जी जो है खुद से सारी चीज़ों को देख रहे हैं और यहाँ 17 केसेज हैं, पटना में तो तकरीबन 3000 से ऊपर है, तो कटिहार में प्राइवेट इंक्लूडेड मिला करके 17 केसेज हैं। प्रधानमंत्री पर सीधा हमला कर रहे हैं, कोई टिप्पणी बहु रुपया कह रहे हैं, राजद किस तरह तो घुमा के करेंगे क्या? नहीं नहीं, आप बताइए ना, तो घुमा के करेंगे तो उन्होंने क्या बोला है? सही तो बोला है, कुछ गलत? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, तमाम बड़ी खबरों के लिए आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।